डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि यदि आपके पास टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नॉन लीनियर स्पेस ई इंटू नॉन लीनियर स्पेस एफ, देन टी इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजन इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विद द प्रॉपर्टी दैट norm of tx less than equal to k norm of x for all x elements of A. That is, we show that t of A is continuous at the origin if and only if t is bounded. आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी नॉर्मल लीनियर स्पेस ई से एफ के अंदर, वो बाउंडेड होता है। कब होता है? जब अपने पास एक ऐसा रियल नंबर के आपके पास ग्रेटर देन जीरो आपके पास एग्जिस्ट हो कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई, तो टी आपका बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये पिछले टर्म पे आपको बताया था, साथ में आपको ये भी बताया था कि टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस है एट द ओरिजन, तो मीन्स कंटिन्यूस है एट ऑल पॉइंट। तो इसी को ये भी कह सकते हैं कि टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली टी इज बाउंडेड। तो फर्स्ट अपन देखेंगे, ये ले लें कि अपने पास ऐसा के आपके पास एग्जिस्ट है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, और अपन देखना टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन। टी कंटिन्यूस एट द ओरिजन मीन्स यदि अपन दिखा दें नॉर्म ऑफ की एक सीक्वेंस लें एक्स एन जो कि जीरो को कन्वर्ज कर रही है, और अपन दिखा दें कि सीक्वेंस टी एक्स एन है वो टी जीरो को कन्वर्ट करे या जीरो को कन्वर्ट करे, तो टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस आ जाएगा। तो फर्स्ट अपन ले लें कि लेट देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई, ये अपन ले लें और अपन दिखाएंगे वी शो दैट टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन। तो अपन एक सीक्वेंस लेंगे, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन ई सच दैट लिमिट n tends to infinite xn equal to x, ये जो सीक्वेंस है xn है वो सॉरी क्या है क्योंकि कंटिन्यूस है ओरिजन दिखाना, तो सीक्वेंस लेंगे तो कि ओरिजन को कन्वर्ट करें अर्थात लिमिट n tends to infinite xn equal to जीरो, ये अपन लेके चलेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है xn जो कि जीरो को कन्वर्ट कर रही है, तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार क्या जाएगा, फॉर ईच देन बाय डेफिनेशन डेफिनेशन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन जीरो एलिमेंट्स एन का सच दैट norm of xn minus 0 is less than epsilon when you are for all n greater than equal to n 0, means
norm of epsilon is less than epsilon for all n greater than equal to n zero. इसको नंबर दो लगा दें. Now, norm of t xn माइनस टी जीरो, क्योंकि अपन दिखाना चाह रहे हैं कि xn यदि सीक्वेंस है जो जीरो को कन्वर्ट कर रही है, और टी xn जो सीक्वेंस है वो ओके टी जीरो को कन्वर्ट करे या जीरो को कन्वर्ट करे, तो टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. तो अपन यहाँ नॉर्म ऑफ टी xn माइनस टी जीरो से लिख शुरू करेंगे, इक्वल टू, क्योंकि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यह आ जाएगा टी xn माइनस जीरो. सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन कैसा, टी xn माइनस टी जीरो मीन्स टी xn माइनस जीरो इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी xn, नॉर्म ऑफ टी xn बाय फर्स्ट यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ xn, नॉर्म ऑफ xn बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट. क्योंकि अपन देखा xn किस में सीक्वेंस e के अंदर, xn एलिमेंट है e का, तो बाय फर्स्ट यह आ जाएगा k नॉर्म ऑफ xn. बाई यूजिंग सेकेंड तो यह आ जाएगा लेस देन के एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन डैश से, हाँ से बाई सेकेंड, बाई सेकेंड. तो अपने पास ये आ गया कि नॉर्म ऑफ टी xn माइनस टी जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो. तो मीन्स तो ये इम्प्लाइज करेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट टी एक्स एन इक्वल टू टी जीरो, और ये इम्प्लाइज कर रहा है कि टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन, एट द ओरिजन. तो इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि ये कंडीशन कि देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर रियल नंबर है, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यदि एग्जिस्ट है, तो और साथ में नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई है, या कहें कि टी बाउंडेड है, तो अपन दिखाएंगे कि टी आपका कंटिन्यूस है एट द ओरिजन, टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन. अब अपन ले लेंगे कि टी आपका कंटिन्यूस है एट द ओरिजन, और ऐसा आपके पास की एग्जिस्ट है जो कि कंडीशन नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपन दिखाएंगे. तो कन्वर्सली सपोज दैट टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन, टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन, ये अपन लेके चलेंगे. और साथ में अपन ये भी ले लेंगे कि लेट अस सपोज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, कि ऐसा अपने पास के आपके पास एग्जिस्ट नहीं है कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो मीन्स एक्सन अपन ले लें कि एक्सन एक सीक्वेंस है जो कि जीरो को कन्वर्ट कर रही है, और उस सीक्वेंस के लिए नॉर्म ऑफ टी एक्सन है वो ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्सन है, और उससे अपन ये दिखा देंगे कि ये अपन लेके चलेंगे टी कंटिन्यूस और ओरिजन है, वो टी कंटिन्यूस ओरिजन नहीं है, तो अपना ये कॉन्ट्राडिक्शन जो लेके चलेंगे वो उससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि देयर एग्जिस्ट सच के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स. ये तो यहाँ पर अपन लेके चल रहे हैं कि
ये कल्पना सपोज कर रहे हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच के ग्रेटर देन जीरो कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हेंस फॉर ईच एन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन देयर एग्जिस्ट एक्स एन एलिमेंट्स है ई का सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करिए, जो कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं नंबर तीन कर दें इसको, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स एन इज ग्रेटर देन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन विथ एक्स एन टेंस टू जीरो विथ एक्स एन टेंस टू जीरो। अब अपन यहाँ दिखाना चाहेंगे कि टी जिसको कंटिन्यूस दिया था ओरिजन उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो अपन क्या करेंगे कि ये जो एन नॉर्म ऑफ एक्स एन है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स एन डिवाइडेड बाई एन नॉर्म ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन वन, तो इम्प्लाइज क्योंकि n नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये आपका आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स एन डिवाइडेड बाई n नॉर्म ऑफ एक्स एन पूरे का नॉर्म इज ग्रेटर देन वन, सिंस वी नो दैट नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स। हियर अपन देख रहे हैं कि n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है क्योंकि नेचुरल नंबर है, और नॉर्म ऑफ एक्स एन है इज आल्सो ग्रेटर देन क्योंकि अपन यहाँ ले रहे हैं कि ये जो एक्स एन है ये जो कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं कि विथ एक्स एन टेंस टू जीरो मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स एन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है टेंस टू जीरो है, तो ये वैल्यू आपके पास है ग्रेटर देन है जीरो है, ये भी कैसी है ग्रेटर देन जीरो है, तो अपने इसको इस तरह से ले लिया। इम्प्लाइज टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इससे आ जाएगा टी इसको यूँ लिख दीजिए एक्स एन डिवाइडेड बाई एन नॉर्म ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन वन इज ग्रेटर देन वन सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपका ये जो कॉन्स्टेंट था वो टी के हिसाब से अंदर चला गया। अब अपन क्या करेंगे ये जो आपका है एक्स एन डिवाइडेड बाई एन नॉर्म ऑफ एक्स एन इसको एक नया वेरिएबल अपन नाम दे देंगे लेट वाई एन y n इक्वल टू एक्स एन डिवाइडेड बाई एन नॉर्म ऑफ एक्स एन क्योंकि e आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नॉर्म लीनियर स्पेस है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस लीनियर स्पेस है तो ये एक्स एन यदि एलिमेंट्स है e का तो अल्फा एक्स एन भी e का एलिमेंट्स होगा, अल्फा की जगह वन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन है यहाँ पर, सो तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एक्स वाई एन ये लें तो ये आपके पास ये जो रिजल्ट है ये इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ टी वाई एन इज ग्रेटर देन वन इज ग्रेटर देन वन। साथ में अपन देख रहे हैं कि क्योंकि जो वाई एन अपन ने लिया वाई एन लिया अपन ने कि एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन, तो सिंस इसको नेक्स्ट चार नंबर लगा दें सिंस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस जीरो कि अपन देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस वाई एन है वो टेंस टू जीरो है, तो सिंस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस जीरो इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस जीरो और इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन जो कि टेंस टू जीरो है एज
एंड टेंस टू इनफाइनाइट, एज एंड टेंस टू इनफाइनाइट तो इम्प्लाइज कर रहा है कि लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट वाई एन इक्वल टू जीरो, वाई एन इक्वल टू जीरो, वाई एन अपने पास सीक्वेंस है ई के अंदर जो कि जीरो को कन्वर्ट कर रही है, अर्थात ये क्योंकि ई आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी आपका कंटिन्यूस एट द ओरिजन और वाई एन जो सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्ट कर रही है, तो टी वाई एन है टेंस टू जीरो होना चाहिए। और साथ में अपन देख रहे हैं बाई फोर्थ, फोर्थ नंबर इक्वेशन से है कि नॉर्म ऑफ टी वाई एन है इज ग्रेटर देन वन है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि टी वाई एन है वो डज नॉट टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। सो अपन देख रहे हैं कि सीक्वेंस वाई एन टेंस टू जीरो है बट टी वाई एन है वो डज नॉट टेंस टू जीरो, वाई एन टेंस टू जीरो बट टी वाई एन डज नॉट टेंस टू जीरो है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि टी इज नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजन, जबकि अपन लेके चले हैं कि टी कंटिन्यूस है एट द ओरिजन, विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आया, जब अपन ने लिया कि ऐसा अपने पास के आपके पास एग्जिस्ट नहीं है जो कि कंडीशन के ग्रेटर देन जीरो आपके पास एग्जिस्ट नहीं है, जो कि कंडीशन टी एक्स एन लेस देन इक्वल टू के नॉर्मल पर्सन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस इफ टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन इन द सेंस एक्सन टेंस टू जीरो इम्प्लाइज टी एक्सन टेंस टू जीरो, सो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई। तो ये जो कन्वर्ट्स पार्ट है इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या लेके चलते हैं इसमें, कि अपने पास ऐसा आपके पास है के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए अपन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मीन्स अपन यहाँ पर एक एक्स एन एन फॉर ईच एन एलिमेंट्स ऑफ एन के लिए अपन एक्स एन ई का एलिमेंट्स ले लेंगे कि नॉर्म ऑफ टी एक्स एन ग्रेटर देन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन आ जाए, एक्स एन तो सिक्वेंस है साथ में जो एक्सन सीक्वेंस है वो एक्सन है वो टेंस टू जीरो है ना। सो अपन क्या करते हैं एन नॉर्म ऑफ एक्सन को इस पक्ष में ला कर डिवाइड करके अपन सिंप्लीफाई करते हैं और अपने पास नॉर्म ऑफ टी एक्सन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्सन आ जाता है इज ग्रेटर देन वन आ जाता है, इसको अपन वाई एन ले लेते हैं और अपन देख रहे हैं कि वाई एन है वो टेंस टू जीरो है बट टी वाई एन डज नॉट टेंस टू जीरो, जो कि अपने कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि टी इज कंटिन्यूस है एट द ओरिजन। इस तरह से अपन इस सेकंड पार्ट को अपन करेंगे। थैंक्स।